अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जर हाशमी और आप देख रहे हैं पाक ऑटोमोबाइल्स डॉट कॉम। नाजरीन, पाकिस्तान ऑटो इंडस्ट्री के लिए हालिया साल ज़्यादा अच्छा साबित नहीं हुआ और ज़्यादातर बुरी खबरें ही सुनने को मिली हैं, जैसा कि टोकन टैक्स और FED का बढ़ना या डॉलर की कीमत को जवाब बनाकर हर दूसरे महीने कीमतों में इजाफा, जो कि पहले ही बाकी दुनिया के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है, या फिर ऑटो मेकर कंपनियों के पाकिस्तान छोड़ने की अफवाहें। इन हालात में एक छोटी सी अच्छी खबर भी खुशगवार एहसास का बैस बनती है। नाजरीन, ऐसी ही एक छोटी सी खबर आजकल बहुत गर्दिश कर रही है, जो कि एक चाइना मोटो टैक्सी के बारे में है और ये पाकिस्तान में कुछ शोरूम्स पर आ चुकी है। ये एक तरह का रिक्शा ही है, लेकिन इसके फीचर्स कमाल के हैं, बल्कि हमारी बहुत सारी लोकल गाड़ियों से ज़्यादा ऑप्शंस हैं इसमें। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। खूबसूरत टू टोन डैशबोर्ड प्लस कम्बिनेशन एनालॉग एंड डिजिटल इंफॉर्मेशन क्लस्टर दिया गया है, जिसमें बहुत सारे गैजेट्स और ऑप्शंस मौजूद हैं। बैक कैमरा विद LED डिस्प्ले एंड गाइडलाइंस दिया गया है। यहाँ किसी लोकल असेंबल गाड़ी के बेस वर्जन में ये ऑप्शन नहीं मिलता। बेहतरीन 4 स्पीकर ऑडियो सिस्टम दिया गया है। यहाँ पर हीटर, वेंटिलेशन एंड वाइपर्स वगैरह के स्विचेस मिलते हैं। मल्टीपर्पज़ हैंडल कंट्रोल, जिनमें सेल्फ स्टार्ट का बटन भी मौजूद है। सनरूफ दिया गया है, जो कि हमारे यहाँ 20-25 लाख की गाड़ी में भी नहीं मिलता। सनवाइजर विद वैनिटी मिरर दिया गया है। एल्यूमिनेशन लैम्प मौजूद है। डोर्स विद क्रोम हैंडल्स दिए गए हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि क्वालिटी वाइज लोकल बहुत सारी गाड़ियों से बेहतर हैं। इंटीरियर स्पेस, डिज़ाइन और क्वालिटी आप खुद देख सकते हैं। हैंड ब्रेक एंड पार्किंग ब्रेक लीवर दिए गए हैं। ये रिवर्स गियर और सीट एडजस्टमेंट लीवर्स दिए गए हैं।
इंजन कंपार्टमेंट फ्रंट सीट के नीचे है, जिसमें 250 सीसी सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक पेट्रोल इंजन दिया गया है। रियर सीट मटेरियल और लेग स्पेस आप खुद देख सकते हैं। बैक लाइट्स, फिफ्थ गियर विद स्पेयर टायर और हाई माउंटेड ब्रेक लैंप दिया गया है। छत पर सामान के लिए लॉकेबल कंपार्टमेंट मौजूद है। हेलोजन हेडलैम्प्स, फ्रंट क्रोम ग्रिल और तीनों अलॉय रिम्स दिए गए हैं, प्लस फ्रंट पर डिस्क ब्रेक भी मौजूद है। सॉलिड इंटीरियर और एक्सटीरियर मटेरियल दिया गया है, जो कि कम से कम मेहरान से तो बेहतर ही होगा। ये गाड़ी राइड हेलिंग सर्विसेज के लिए बेहतरीन साबित हो सकती है, जो कि लाहौर के कुछ शोरूम्स पर मौजूद है, जिनका नाम और नंबर बगैर इजाज़त मेंशन नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई दोस्त चाहे तो कमेंट्स में मेंशन कर सकता है। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।